हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप जो है SBI अकाउंट का बैलेंस जो है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, वो भी SMS के माध्यम से। अगर आपको SMS के माध्यम से बैलेंस चेक करना है तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए। तो आपको SMS के माध्यम से बैलेंस चेक करने के सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का डायलर को ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा 9 22, और यहाँ पे 37, और यहाँ पे 5वां 6 आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको ये मोबाइल नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको इस मोबाइल नंबर पे आपको एक मिस कॉल मारना है, जो भी आपके अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिस कॉल मार देना है। मिस कॉल मारते दोस्तों आपके उस मोबाइल नंबर पर आपको एक जो है SMS आया होगा, तो आपको वो SMS सबसे पहले आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ मैं SMS चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैसेज पर मैं इनबॉक्स पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज आया हुआ है। तो आपको मैसेज दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार का मैसेज आया होगा, डियर कस्टमर योर मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड फॉर दिस द फैसिलिटी टू रजिस्टर फॉर SBI क्विक फैसिलिटी सेंट एन SMS आर EG अकाउंट नंबर टू इस मोबाइल नंबर पे। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको नीचे जो यहाँ पे मोबाइल नंबर शो हो रहा है इस पर आपको एक SMS सेंड करना होगा, REG लिख के और स्पेस दे के अकाउंट नंबर डाल के आपको इसी मोबाइल नंबर पे आपको एक SMS सेंड करना होगा। तो सबसे पहले करते क्या है, यहाँ पे आपको ये मोबाइल नंबर कॉपी कर लेना है। तो यहाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ मैंने नंबर को कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ से बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको सबसे पहले आपको उसको SMS करना है। SMS करने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों फिर सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे टू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। टू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी आपने अभी नंबर कॉपी किया है वो नंबर को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैंने वो जो नंबर यहाँ पे पेस्ट कर दिया है कि इस पर आपको SMS जाएगा। फिर आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपको नीचे आपको यहाँ पे इंटर मैसेज का आ जाएगा ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आर, ये भी ध्यान रखिए दोस्तों आपको कैपिटल में लिखना है, RE और फिर आपको G, आपको इतना सा लिख देना है। और फिर आपको स्पेस दे देना है। स्पेस देने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर जो है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आपको एंटर कर देना है। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों आपको जौन सा भी मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से लिंक है आपको उसी मोबाइल नंबर से आपको SMS को सेंड कर देना है। तो यहाँ मैं जो यहाँ पे SMS सेंड कर देता हूँ उस पर क्लिक करके। जैसे आप SMS सेंड कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे आपको जो है एक SMS सेंड किया जाएगा। तो आपको अपना SMS बॉक्स खोल लेना है। यहाँ मैं खोल लेता हूँ, तो आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको किस प्रकार का मैसेज आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डियर कस्टमर SBI कस्टमर यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो आप समझिएगा कि हमने तो पहले ही मोबाइल नंबर लिंक करा रखा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे SMS के थ्रू अगर बैलेंस को चेक करना है तो सबसे पहले आपको यही जो है प्रोसेस करना होगा, इसके अलावा कोई भी प्रोसेस नहीं है, तभी जो आपका SMS के थ्रू जो आपका बैलेंस जो है यहाँ पर चेक हो पाएगा। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको डायलर को ओपन करना है और ये वाला मोबाइल नंबर फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है जो आपने शुरू में किया था। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना 9 22 37 और 5वां 6 है। आपको ये लिंक, आपको ये मोबाइल नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आपको इसी मोबाइल नंबर पर आपको फिर दोबारा आपको यहाँ पर जो है एक मिस कॉल जो है यहाँ पर मार देना है। यहाँ पर मिस कॉल मार देता हूँ, जो भी आपके अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक है उससे मैं यहाँ पर एक मिस कॉल मार देता हूँ। मिस कॉल मारते दोस्तों आपको एक SMS आया होगा, यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं वो आपको शो हो जाएगा, और नीचे आपका जो भी बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो है SMS के थ्रू अगर आप SBI का बैलेंस को चेक करना चाहते हैं अकाउंट का, तो आप इसी प्रोसेस से कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा प्रोसेस नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सबके लिए इतना ही।